नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। अगर हम आपसे ये कहें कि भाई आज भी सलमान ऐश्वर्या से बहुत प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत आज भी बरकरार है, तो कैसा रहेगा आपका रिएक्शन? अगर हम आपसे ये कहें कि ऐश्वर्या उन्हें नहीं मिली तो इसलिए कुंवारे हैं सलमान, तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन? भाई आज की इस बेहद ही खास पेशकश में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसमें जो है सलमान खान ने आखिरकार पहली बार भरे मंच पे करण जौहर के सामने जब ऐश्वर्या का नाम सुन के रिएक्ट किया था, तब हर जगह पर हंगामा हो गया था। 2002 में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, मगर ब्रेकअप के बाद दोनों ही एक दूजे का जिक्र करने से कतराते रहे। मगर जब एक ऐसा मौका आया जब उनका नाम का जिक्र किया गया, तो क्या कुछ रिएक्शन रहा सलमान खान का और क्या कुछ रहा है इन दोनों के बीच की कहानी, देखिए हमारी ये बेहद ही खास। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अवार्ड शो का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान खान करण जौहर के कुछ सवालों का जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भाई करण जौहर और सलमान खान की बातचीत पर लोग ठाके लगाकर खूब हंसते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस सवाल के जवाब पे करण और ऐश्वर्या का नाम लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भाईजान और ऐश्वर्या ने साल 2002 में ब्रेकअप कर लिया था। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिलेशनशिप इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर रिलेशनशिप में शुमार था, लेकिन ये रिश्ता काफी बुरे नोट पर खत्म हुआ। उनके अफेयर के चर्चे बॉलीवुड गलियारों में आज भी गूंजते हैं। कहा तो ये जाता है कि ये रिश्ता खत्म होने की वजह से सलमान खुद कोई और नहीं, वजह सलमान ही थे। कहते हैं ना कि जब किसी रिश्ते में शक आ जाता है तो वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। ऐश और सलमान के साथ भी कुछ यही हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो कहा ये जाता है कि ये जोड़ी 90 के दशक की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक थी। इन दिनों सलमान खान और करण जौहर का एक थ्रूबैक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो स्टार ग्लिट अवार्ड फंक्शन का है, जहां पर सलमान होस्ट बने हैं और वो करण जौहर के साथ बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए और क्या कुछ हुआ आपको आगे बताते हैं। इस दौरान सलमान करण से एक सवाल करते हैं कि अगर आपको कोई हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी हीरोइन बनना चाहेंगे। सलमान खान के इस सवाल का जवाब देते हुए करण ने ऐश्वर्या राय का नाम ले लिया। ऐश का नाम सुनते ही ऑडियंस भी बैठी सभी लोग वहां हंसने लगे। ऐसे में सलमान खान ने करण से पूछा कि आपने ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम क्यों लिया। तो इस पर करण ने कहा कि वजह आप पूछ रहे हैं। दो बारी उन्होंने इस बात का ऐसे जिक्र किया। आपको बता दें कि सलमान साल 2002 में ऐश्वर्या की ब्रेकअप की खबरों के बाद काफी ज्यादा ही जो है एकदम सदमे में चले गए थे। ऑफिशियली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। कहा जाता है कि ऐश ने ये रिश्ता सलमान की आदतों से परेशान होकर किया था। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान जो है कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग उन्होंने ऐश के सामने कर दिया था जिससे जो है उनका ब्रेकअप हो गया। एक थ्रूबैक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान के साथ अपने अब्यूज रिलेशन को लेकर बात भी की थी। बताया ये भी जाता है कि सलमान ने आज तक किसी वजह से शादी नहीं रचाई, क्योंकि ऐश्वर्या से वो बहुत प्यार करते थे और वैसी लड़की उन्हें दोबारा मिल नहीं पाई। हालांकि ऐश्वर्या के चले जाने के बाद सलमान खान का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम हसीनाओं के साथ तो जुड़ा, मगर किसी के साथ वो बात बन ना पाई। आज जहाँ पर वो हसीनाएं शादीशुदा होकर अपने घर में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, तो वहीं सलमान खान आज भी अपनी सच्ची मोहब्बत को तलाश रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जब भी कोई इंडस्ट्री में दिल दे चुके सनम, फिल या फिर ऐश्वर्या का नाम लेता है तो सलमान का रिएक्शन हर जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या के चले जाने के बाद सलमान की लव लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई और सलमान आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सलमान ऐश्वर्या से इतनी मोहब्बत करते थे कि कहीं ना कहीं जो है आज भी वैसी लड़की की तलाश में वो बस भटक ही रहे हैं। क्या कुछ है आपकी राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो देखा आपने भाई, आखिरकार ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या जैसी कन्या, ऐश्वर्या जैसी लड़की उन्हें मिले ही नहीं, इसलिए वो आज भी खुआरे हैं। भाई हालांकि उनका नाम ऐश्वर्या के बाद तमाम हीरोइनों के साथ जुड़ा, तमाम लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा जरूर, मगर आज उन लोगों ने शादी कर ली। कैटरीना के साथ उनकी शादी के खूब चर्चे देखे गए, मगर एंड में कैटरीना ने विकी कौशल से शादी कर ली। कहा यह जाता है कि आज जो ये कुंवारे हैं उसकी वजह कोई और नहीं, खुद सलमान है। उनका बिहेवियर है, वो काफी पोसेसिव हो जाते हैं, काफी कंट्रोल करने लगते हैं और काफी अभद्र भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा कि भाई ऐश्वर्या का नाम सुनते ही सलमान जो है काफी ज्यादा उनके चेहरे का ही कलर बदल जाता है, उनकी जुबान ही बदल जाती है। तो ऐसे में जब करण जौहर ने उनसे कहा कि ये आप पूछ रहे हैं, तो यकीनन ही इस इंडस्ट्री में सलमान और ऐश्वर्या की लव लाइफ के बारे में कौन नहीं जानता। ऐश्वर्या सलमान से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों को तक छोड़ आई थी, मगर जब उन्हें सलमान की चीजें पसंद नहीं आई तो वो वापस अपने घर लौट गई। ऐसे में सलमान और ऐश्वर्या की डेस्टिनी उतनी ही थी। सलमान की जिंदगी में ना तो ऐश्वर्या थी और ना ही ऐश्वर्या की जिंदगी में सलमान थे। ऐश्वर्या को बच्चन परिवार की बहू बनना था और सलमान अब तक कुंवारे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दिए कि इन दिनों बच्चन परिवार की बहू पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। बच्चन परिवार की बहू, बच्चन परिवार ही उनसे खफा है, जिसे लेकर सलमान के साथ अब उनके पुराने इंटरव्यूज, पुरानी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार क्या सच था बच्चन परिवार में, मगर कहीं ना कहीं सलमान आज भी ऐश्वर्या को मिस करते हैं। क्या कुछ है आपकी राय, आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं चली, आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा।